तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस क्या है इसको बताता हूँ। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस के लिए आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास कोई भी एक बॉडी गिवन है, मान लो कोई भी बॉडी है। अब कोई भी बॉडी में लोग कहते हैं कि यार ये स्फेयर होगा या रिंग होगी या क्या, आप जो मर्जी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताओ, इसके अंदर अगर मैं ये पूछूं कि अगर कोई एक्सेस इसके सेंटर से पास कर रहा है या सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी इसकी। जैसे मान लो ये रिंग है, मान लो एग्जाम्पल है, बॉडी कुछ भी हो सकती है पर मैंने एग्जाम्पल रिंग का ले लिया या मैंने एग्जाम्पल डिस्क का ले लिया। तो अगर मैं मान लो एग्जाम्पल चलो डिस्क का लेता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि चलो ये बॉडी एक डिस्क है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सेस पास कर रहे हैं वो कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जादू की छड़ी नहीं है कि कुछ भी याद ना करो और थ्योरम लगाओ और आंसर आ जाएगा। एक तो याद करना पड़ेगा जिसकी लिस्ट हमने बना ली है। तो एक हमने क्या बना ली है, सेंटर से अगर एक्सेस पास हो रहा है तो इसका आई हमें याद है। अब थ्योरम ऑफ पैरल एक्सेस ये कहती है कि अगर कोई एक्सेस इसके पैरल है, जैसे ये एक्सेस ले लिया, ये एक्सेस और ये एक्सेस आपस में पैरल हैं, ये थ्योरम काम करेगी। तो इसमें ये देखना होता है कि इनके बीच में एग्जैक्टली दूरी है कितनी। तो इनके बीच में एक्सेस में दूरी मान लो कितनी है, एच एच ले लो, आर ले लो, यहाँ पर ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा, आर होगा, एच तो आर के इक्वल है, चलो मैंने एच ले लिया। तो नए एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सेस जो जा रहा है उसका मोमेंट इनर्शिया तो मुझे मालूम ही है। तो नए एक्सेस का मोमेंट इनर्शिया जो कि एक्सेस के पैरेलल है विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास में जो मोमेंट इनर्शिया था वो तो आपने इसमें लेना ही लेना है, प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के पैरेलल होगा उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, ये तो जो आई था वो तो होना ही होना है, प्लस मास ऑफ दिस डिस्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम इनटू, अब मान लो आपके क्वेश्चन में एच किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो एम इनटू आर का स्क्वायर। तो आई की वैल्यू पता है क्या आएगी, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा थ्योरम लगाएं, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये थ्योरम है क्या। मैं एक दो बार और लगा के दिखाता हूँ और आपको थोड़ा आइडिया होगा इसमें, बट समझ में आ रहा है थ्योरम क्या है। ठीक, लिखते जाएं प्लीज। तो जैसे सपोज आपके पास फिर से एक फिगर लेते हैं, इस बार फिगर लेते हैं एक सॉलिड स्फेयर। एक सॉलिड स्फेयर का अगर एक्सिस सेंटर से पास हो तो आई की वैल्यू बोलो क्या होती है, आई सेंटर ऑफ मास में से क्या होगी, 2/5 एम आर स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है इस एक्सिस के अबाउट बोलो वैल्यू क्या होगी। अब इन दो एक्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो क्या होगा, आर होगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी इसके अबाउट, 2/5 एम आर स्क्वायर तो होगी ही होगी, प्लस मास ऑफ स्फेयर इनटू एक्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 7/5 एम आर स्क्वायर। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, एम आर स्क्वायर को ऐड कर देना है बस। क्लियर है? तो कैसे अप्लाई करना है समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल अगर मैं ये पूछूं कि फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस का, तो फॉर्मूला ये बनेगा। तो ये फॉर्मूला है थ्योरम का किसी भी बॉडी के लिए, कि अगर कोई एक्सेस कहाँ से पास कर रहा है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, आई सेंटर ऑफ मास। और ये आपके पास आई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला है आई सेंटर ऑफ मास का, जो फॉर्मूला होगा वो तो होगा ही होगा, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है, जो कि सपोज यहाँ पर कितना है, एच। तो यहाँ पर आंसर आएगा एम इंटू एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ क्या है अभी थोड़ी देर में इसको करेंगे। इसकी आया कैसे, पहले आपको मैंने क्या सिखाया, लगाना कैसे है, पर रूल यही है इसका। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल ये कि पहला एक्सेस हमेशा कहाँ से पास होना चाहिए, बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से ही होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई भी एक्सेस इसके पैरल कहीं मर्जी ले लें, उनके बीच में दूरी पता होनी चाहिए, और ये एक्सेस हमेशा पैरल ही होनी चाहिए। और आई की वैल्यू क्या होगी, जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक,